हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिटी किचन भाई हमारे घर में ब्रेड तो रोज़ाना आती ही है और अक्सर ब्रेड बच जाती है नाश्ते के बाद कभी कभी ये इतनी ज़्यादा सूखने लगती है कि समझ में नहीं आता इसका क्या करें तो कभी तो हम गाय को खिला देते हैं कुत्ते को खिला देते हैं कभी कभी ये वेस्ट भी हो जाती है पर अब मैं जो तरीका बताऊँगी उससे आपकी ब्रेड कभी भी वेस्ट नहीं होगी इनफैक्ट आप जानबूझ के ब्रेड बचाएँगे और ये रेसिपी बनाएंगे तो मेरे पास ये चार ब्रेड बची हुई थी मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है देखिए इस तरह से आपने भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और अब बस हम इसके अंदर एक उबला हुआ आलू डालेंगे तो मैंने एक आलू उबाल कर उसे कद्दूकस कर लिया वो डाल रही हूँ और एक प्याज काट कर इसमें डाल रहे हैं और दो हरी मिर्च डाल रहे हैं अब मेरे पास गाजर थी तो मैंने एक गाजर भी काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में और ये मटर एक मुट्ठी मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अब थोड़े मसाले डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच ही इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला और अब नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ये ब्रेड क्रम्स जो हैं आपके क्योंकि सूखी हुई हैं ब्रेड हमारी बची हुई हैं तो ये भी बहुत आसानी से बिल्कुल इस तरह से मैश हो जाएंगी ये देखिए बहुत अच्छे से हमने एक जैसे आटा टाइप से बनाते हैं ना आलू का भरता होता है या आटा होता है उस तरह से इसको हाथ से मलते हुए बना लेना है ये देखिए सारा सब इकट्ठा हो जाएगा बहुत आसानी से ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक मिनट के अंदर अंदर ही ये हो जाता है ये देखिए इस तरह से एक आटे की तरह ये तैयार हो गया है अब कुछ नहीं करना बस हाथ से इसको हमें एक गोल गोल शेप दे देनी है टिक्की के जैसी भाई आलू की टिक्की तो बनाते ही हैं हमेशा बस आज इसमें सारे आलू ना डाल के हमने ब्रेड लिए हैं और आलू बस एक लिया है तो इस तरह से आपने हाथ से इस सब को टिक्की की शेप दे देनी है टिक्की की जो भी आपने साइज़ रखनी है वो आप अपने ऊपर चुन सकते हैं जितनी बड़ी टिक्की बनानी है उतने बड़े साइज़ का गोला लेकर हाथ से इसको गोल करते जाएं। आप चाहें तो इसके कटलेट बनाने के लिए कुकी कटर का भी सहारा ले सकते हैं पर हाथ से ये बहुत आसानी से बन जाता है तो इस तरीके से मैंने इसके सारी टिक्कियों को बना लिया है और पैन में मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है ये देखिए आप भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं जब सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाए हमारी तो हमें गरम तेल में इसको शेडो फ्राई करना है देखिए तेल भी बहुत थोड़ा लिया है बस एक चम्मा एक चमचा जो होता है ना सब्जी बनाने वाला उतना ही तेल लगेगा और मीडियम फ्लेम पे हम इसे शेडो फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब के आगे जो ऑल का बटन होता है ना उसे ज़रूर प्रेस करें इससे आपको हमारी रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप क्या सुधार चाहते हैं जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं ये देखिए जब एक साइड से हमारी टिक्की सिक जाए तब आप इसे पलट दें और दूसरी साइड से भी सेंक लें तो हमें हमारी टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा क्रिस्पी होने तक इन्हें पलट पलट कर सेंक लेना ये देखिए कितनी बढ़िया सीख गई एकदम करारी होती हैं आलू की टिक्की से भी ज़्यादा करारी होती हैं ये और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं और जो लोगों को आलू खाना मना है वो भी इस टिक्की को आराम से खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड के टुकड़े डाल सकते हैं उसमें आलू को बहुत कम करके ये देखिए हमारी टिक्की बन के कितनी बढ़िया लग रही है बहुत बढ़िया कलर है तो जब कभी मेहमान आ जाएं घर में और कुछ समझ ना आए तो आप ये स्नैक ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं इसका टेस्ट आपको कैसा लगा अभी रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में भी इसका स्नैक बहुत अच्छा लगेगा इफ्तार में तो इफ्तार टाइम में भी आप इसे बना सकते हैं सुबह के शाम के नाश्ते में इसे बना सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और इसमें बहुत क्रिस्पी होती है ये टोमेटो सॉस के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं इसका स्वाद कैसा लगा तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल हम सब नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सबको बाय